आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धाम में एक मुस्लिम पिस्तौल और कारतूस के साथ पकड़ा गया है। आरोपी का नाम है रज्जन खान। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोगों के पिछवाड़े में धुआं निकलने लगता है, बहुत सारे जिहादी तिलबिलाने लगते हैं। बाबा बागेश्वर सनातनियों को, हिंदुओं को एक होने की बात क्या कर देते हैं, बहुत सारे जिहादियों के पिछवाड़े से यानी कि पसीना टपकने लगता है। आपको बता दें, अभी बागेश्वर धाम सरकार महाराज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके लिए एक जिहादी यानी कि गल लेकर बागेश्वर धाम पहुंच गया और उस जिहादी को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम महाराज के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कुछ जिहादी, और ये जिहादी बागेश्वर वाले महाराज को रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता है कि बागेश्वर वाले महाराज कोई अकेले नहीं है, बागेश्वर वाले महाराज के पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं, करोड़ों उनका साथ देने के लिए सनातनी खड़े हैं। शायद तुम गलत फहमी में हो कि बागेश्वर वाले महाराज को तुम बाल भी बाका कर पाओगे, तुम शायद गलत फहमी में हो। और मैं कहता हूं कि मतलब जिस तरह से बागेश्वर वाले महाराज हिंदुओं को एक करने की बात कर देते हैं, तो जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो मौलवी से लेके या मुल्ला तक लेकर, मतलब सबके सब तिलबिलाने लगते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? हमारे धर्मगुरु अगर सनातनियों को एक करने की बात करते हैं तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग जाती है? अभी एक बता दे, रंजन खान करके एक जिहादी बागेश्वर धाम पहुंच गया और वहां पर गन लेकर गया था और के साथ साथ कुछ कारतूस भी लेकर गया था। दोस्तों आपको बता दे, किस इरादे से ये गया था ये भी आपको समझ आ रहा होगा। सिर्फ इन जिहादियों का मानसिकता सिर्फ यही होता है कि जो भी हिंदुत्व की बात करे बस उसे रास्ते से इन्हें हटाने की पड़ी रहती है। और ये लोग भूल जाते हैं कि बागेश्वर वाले महाराज कोई अकेले व्यक्ति नहीं है जिसे तुम आकर और बाल विभागा कर जाओगे, समझ गए? अगर तुम्हारे पिछवाड़े में देखे घात लगाकर तुम बार करते हो, ये सबको पता है। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो बागेश्वर वाले महाराज से मिलने का टाइम रखिएगा। अरे बागेश्वर वाले महाराज से ना मिलने का रखिएगा, तुम्हारी औकात नहीं है, वो भी तुम तक मिलने नहीं आएंगे। उनके सनातनियों से रख लो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि सामने से तुम्हारी औकात नहीं होती, तुम घात लगाकर वार करते हो। एक बात बताएं, जितने भी जिहादी ये सोच रहे हैं कि बागेश्वर वाले महाराज को तुम रास्ते से हटा दोगे और मतलब ये गन दिखाकर तुम डरा दोगे, तो बेटा ये तुम्हारी भूल है और ये भूल तुम मत किया करो। शायद तुम भूल जाते हो कि अब पहला हिंदुस्तान नहीं है, अब ये हिंदुस्तान बदल चुका है। ये पहला वो हिंदुस्तान नहीं है जो तुमने जितने टुकड़े मन चाहे करवा दिए थे इस देश के, अब ये टुकड़े होने नहीं देंगे हिंदुस्तान में से, शायद तुम भूल जाते हो। और एक दिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, और हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा, अखंड भारत भी एक दिन जरूर बनेगा, ये भी आप लिख कर ले लीजिए। और आपको बता दें, तुम लोग बहुत गलत फहमी में हो कि तुम बागेश्वर वाले महाराज का बाल भी बाका कर पाओगे। अबे चलो भाई जिहादी, तुम्हारे बस की नहीं है, कुछ भी ना तुम कुछ कर पाओगे। जो सनातनियों की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, ये भी बात याद रखना। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो रंजन खान है इसको पकड़ लिया गया है और इसकी अभी सुताई बुताई चल ही रही है दोस्तों, आपको ये भी बता दें। खैर ये कितना भी षड्यंत्र कर ले, ये अपने षड्यंत्रों में फेल ही रहने वाले हैं, क्योंकि अब सनातनी जाग चुके हैं। सभी को जय हिंद।